हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 से रिलेटेड लेके भौतिक विज्ञान के मोस्ट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए दोनों के लिए वीआईपी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मिस मत कीजिए, क्योंकि प्रश्न ये 2019 में आने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी मोस्ट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं वो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में क्या है कि प्रश्न को सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न करने से पहले एक टिप्स बताने वाला हूँ कि आप कोई भी प्रश्न करेंगे तो आप सबसे मतलब आसानी से कैसे कर सकते हैं, सबसे सही तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टिप्स बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। लिखा है प्रश्न में, पहले ध्यान से देखिए कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांति कोण 45 डिग्री है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रश्न में हमें किस चीज का वैल्यू दिया है, हमें प्रश्न में किस चीज का मान दिया है। तो सबसे पहले उसको इंडिकेट करके लिख देते हैं, हमें मालूम हो गया कि इसका मान दे दिया है, तो हम उसको राइट कर लेंगे यानी लिख लेंगे। और हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें प्रश्न में क्या चीज पूछा है, ठीक है, यानी प्रश्न में क्या चीज पूछा है उसको भी नोट करके और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब तब देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद फार्मूले पर उसको रख के और हल करते हैं, ठीक है। कितने बच्चे जो मतलब पुअर होते हैं, मतलब जानकारी नहीं होती कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट मतलब टिप्स बताया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी मतलब क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया है यानी किस चीज का वैल्यू दिया है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद हमें किस चीज का प्रश्न मतलब क्या चीज पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क लगा के और उसको देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको रख के फॉर्मूला पर हल करने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांति कोण 45 अंश है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें किस चीज की वैल्यू दिया है हमें, उसको लिख कर तब हम चलेंगे कि किस चीज का वैल्यू हमें निकालना है, तब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसे अगर परीक्षा में तुम लिखोगे तो आपका फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लिखा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांति कोण, हमें मालूम हो गया कि क्रांति कोण कितना है 45 अंश, और क्रांति कोण को हम सी से इंडिकेट करते हैं, किस चीज से, तो सी से, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि क्रांति कोण, क्रांतिक कोण, क्रांति कोण कितना, सी इजकल टू क्या दिया है इसमें 45 अंश दिया, ठीक है। सी इजकल टू क्या दिया है, क्रांति कोण को सी से इंडिकेट करते हैं, और इस कितना मान दिया है 45 अंश। अब देखिए वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांति कोण दे दिया, ठीक है। अब हमें द्रव्य का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक, द्रव्य का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक का, क्या होता है वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक, द्रव्य का अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin c होता है, क्या होता है 1/sin c, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए फॉर्मूला क्या होता है, वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक हम निकालना होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसको याद कर लीजिए, 1/sin c। अब हमें तो मालूम चल गया कि फॉर्मूले पर रख के हल कर सकते हैं, 1/sin c, और सी का वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना है 45 अंश, ठीक है। तो लिखेंगे कि 1/sin c का वैल्यू कितना है 45 अंश, ठीक है। तो 45 अंश यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि 1/sin 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/ में क्या होता है, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो साइन पहले से √2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो 1/√ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 1/1 और इंटू क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। अब बट्टा में क्या ले लेंगे, एक इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो रूट टू बटे वन, तो ये भी आंसर हो जाएगा या रूट टू भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाए आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी मोस्ट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है और लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले ही कि जिस चीज की, मतलब जो प्रश्न में दिया है, जिस चीज की वैल्यू दिया है पहले से ही, उसका मान पहले हम क्या करते हैं नोट कर लेते हैं, और जिस चीज की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है उसके सामने क्या लगाते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी पहले कह दिया, तो एफ बराबर तो हमें मालूम चल गया कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर वाली लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है और लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की क्या बताना है, स्थिति बताना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि भी का मान कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि यू बराबर, इसमें क्या दिया है, यू बराबर जो वस्तु की दूरी होती है क्या होती है यू, तो 20 सेंटीमीटर दिया है यू बराबर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, पहले ही मैंने बता दिया हूं कि कोई भी दर्पण के सामने जब वस्तु रखते हैं तो उसकी जो दूरी होती है निगेटिव में ले जाती है, ठीक है, यानी ऋण माइनस में। तो यू बराबर क्या लिखेंगे, यू बराबर -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें मालूम है कि एफ बराबर भी दे दिया कितना, तो 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि एफ बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो वस्तु की प्रतिबिंब बताना है, प्रतिबिंब को भी से इंडिकेट करते हैं ना, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब से मतलब किस से इंडिकेट करते हैं, तो भी से, तो भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है भी का मान, तो इसके लिए यू है इसमें एफ है, भी का मान ज्ञात करना है, तो इसके ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक आपको लेंस का फार्मूला याद होना चाहिए, वो फार्मूला क्या है यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस के सूत्र से, ठीक है, तो लेंस के सूत्र से, ठीक है ना, तो लेंस के सूत्र से करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए लेंस सूत्र से, ठीक, तो 1/f बराबर क्या होता है, यानी 1/f बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/v - 1/u होता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, देखिए ये वाला जो होता है ना लेंस का सूत्र में 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है, अगर यही दर्पण वाला होता 1/f बराबर 1/v आ प्लस यहाँ पर हो जाता, वो दर्पण वाला फॉर्मूला होता है, और लेंस वाला में क्या होता है कि 1/v - 1/u होता है। लेंस में हमेशा याद रखिए कि माइनस होता है और दर्पण में हमेशा प्लस होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले पर रखकर और क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। तो 1/f यानी 1/f का वैल्यू दिया है इसमें 10 सेंटीमीटर, 10 रख दिए, इक्वल टू 1/v, इसमें v का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो 1/v लिख देंगे, ठीक है, इक्वल नहीं माइनस, माइनस है ना, तो माइनस लगेंगे 1/u, 1/u का मान हमें मालूम है -20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो 1/10 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो इंटू होगा, तो क्या होगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 1/v का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 1/v इक्वल टू 1/10, और इसको पक्षांतर करेंगे, यानी पक्ष का जब अंतर करते हैं तो उसका साइन जो होता है यानी प्लस और माइनस वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है पहले से ही ऑलरेडी, तो इधर आएगा तो क्या होगा, तो -1/ क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 1/v इक्वल टू, अब क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 होगा, ठीक है, तो 20 और अपान क्या हो जाएगा 10 × 2 = 20, यानी 2 बार जाएगा 2 और -1 बार जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1/ क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए भी, हमें भी का मान बताना है ना, तो यहाँ पर हम 1/v बराबर लिखेंगे 1/20, तो 1 से 1 कैंसिल और बचा क्या भी, तो भी बराबर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, यानी बता दिया हम लोग कितना आ गया इसका आंसर 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब न्यूमेरिकल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।